जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जयपुर ग्रामीण से समरावता थप्पड़ कांड का मामला। नरेश मीणा के समर्थन में उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, आक्रोश मार्च निकालकर मीणा की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी इन्होंने सौंपा। घटना में शामिल दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नरेश मीणा के समर्थक यहाँ मौजूद। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर, समरावता थप्पड़ कांड मामला। नरेश मीणा के समर्थक सड़कों पर उतर आए, ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थन में सड़कों पर उसके समर्थक उतरे, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आक्रोश मार्च निकाला, नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध इन्होंने किया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नायब तहसीलदार को इन्होंने ज्ञापन सौंपकर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। घटना में शामिल दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। स्थानीय संवाददाता महेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, थप्पड़ कांड मामला और इस थप्पड़ कांड मामले के बाद पूरे सूबे में राजनीति गर्म, अब नरेश मीणा के समर्थक फिर सड़कों पर उतर आए, क्या कह रहे हैं लोग, क्या डिमांड है इनकी? जी बिल्कुल, बता दूं आज सुबह नरेश मीणा के समर्थन में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सुबह बस्ती के बिद्दागी चौराहे से लेकर एसडीएम उपखंड कार्यालय पर लोग वहां पहुंचकर अपना लोग आक्रोश में दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी तुरंत रिहा किया जाए, इसके अलावा दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में लोग पैदल मार्च निकालकर बस्ती उपखंड के वहां पहुंचे। जी बिल्कुल, क्या किसी तरह का आश्वासन मिला इन्हें? जी इनको आश्वासन मिला कि आपका ज्ञापन जो दिया गया है उसको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश।